प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर करनाल से। आपको बता दें कि करनाल में तिरंगा के सम्मान में एक यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा पर इस बात पर रोष जताया गया और इसके साथ ही रामलीला ग्राउंड से लेकर यह तिरंगा यात्रा शुरू हुई थी जो कि मुख्य चौक चौराहों से होती हुई गुजरी थी। आपको बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में दर्जनों सामाजिक संस्थाएं शामिल हुई थी जिन्होंने लाल किले की घटना को निंदनीय बताया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि करनाल में तिरंगा यात्रा के सम्मान में एक यात्रा निकाली गई और दिल्ली में हुई हिंसा पर यहां रोष जताया गया। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा रामलीला ग्राउंड से शुरू होती हुई मुख्य चौक चौराहों से गुजरी और इस तिरंगा यात्रा में दर्जनों सामाजिक संस्थाएं शामिल हुई जिन्होंने लाल किले की घटना को निंदनीय बताया है। माँ झंडे वाली सेवा समिति ने सर्व समाज सभी सामाजिक धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं से मिलकर एक आह्वान किया था कहीं जो भी पीछे घटनाएं हुई किसी के कारण भी हुई लेकिन तिरंगे का सम्मान बरकरार रहे। ये हमारे मान स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इस उपलक्ष्य में हमने आज एक तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली है जिसमें सैकड़ों लोगों ने सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने सूचना दी। लोगों में इतना उत्साह आपने सबने देखा होगा इतना उत्साह था रास्तों में जगह जगह तिरंगे पर पुष्प वर्षा हुई। कहां से कहां गए ये हम ये यात्रा हमने रामलीला भवन से निकाली रेलवे रोड ओल्ड जीटी रोड कुंजपुरा रोड से होते बस स्टैंड रोड से होते हमने यहीं विश्राम दिया। रास्ते में जितने हम लोग हमें ये होता है जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ऐसी यात्राएं निकालते हैं लोग बीच में से निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर 100 लोग चलते हैं तो पता चलता है 75 लोग रह गए। यहाँ हम निकले अगर 1000 लोग तो जब यहाँ वापसी पहुँचे हैं तो यहाँ 1500 लोग पहुँचे। मतलब लोग साथ जुटते गए। मैं अकेला चला था कारवां बढ़ता गया हम संस्थाएं चली थी और ये कारवां बनते हुए आज क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था ये देश के स्वाभिमान का कार्यक्रम था और देश का स्वाभिमान हमारा तिरंगा। तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। कोई भी भारतीय कोई भी हिंदुस्तानी तिरंगे का अपमान नहीं सह सकता इसलिए तिरंगे के स्वाभिमान में हमने यह यात्रा निकली। और आज की जो तिरंगा यात्रा थी माँ झंडे वाली सेवा समिति और शहर की अनेकों अनेक संस्थाओं ने इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए इस शौर्य के प्रतीक के सम्मान के लिए निकाली है। इसका मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा सर्वोपरि था सर्वोपरि है और सर्वोपरि सर्वोच्च रहेगा। जय भारत जय भारत। इतना साफ यकीन नहीं होता। वाओ इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल हर माँ की पसंद विस्मा।